नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप सभी ने सब्सक्राइब वांट टू नो चैनल। दोस्तों मैं आज आप सभी से बात करने वाला हूँ भंगड़ा पाले मूवी के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक डांस रिलेटेड मूवी है, तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर डांस तो देखने को मिलेगा, लेकिन डांस के साथ में आप सभी को देखने को इमोशनल स्टोरी विद अ बैक साइड ड्रामा, साथ ही साथ थोड़ा बहुत रोमांस और साथ ही साथ क्यूट क्यूट सी नोक झोंक हीरो हीरोइन के बीच में टशनबाजी एज ऑलवेज जो हर मूवी के अंदर देखने को मिलती है। वही ये मूवी आप सभी को हॉल के अंदर खड़े होकर डांस करने के लिए तो नहीं, पर बैठे बैठे हिलने डुलने के लिए जरूर मजबूर कर देगी इसके म्यूजिक के चलते, क्योंकि इसका म्यूजिक बड़ा ही एनर्जेटिक है। और वहीं पर अगर बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्नेहा तुरानी ने, जिन्होंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर हिट फिल्म्स दी हैं जैसे कि वेकअप सिद्ध, अजब प्रेम की गजब कहानी। बात करें मूवी के स्टोरी लाइन की, तो मूवी की स्टोरी लाइन एकदम स्वीट एंड सिंपल है, जो आपको पहले वाली जनरेशन और अभी की जनरेशन का अच्छा खासा मेल दिखाती है। वहीं अगर बात करें मूवी की शुरुआत की, तो मूवी शुरू होती है जग्गी से, जिसका रोल प्ले किया है विकी कौशल के भाई सनी कौशल ने। वहीं जग्गी को तलाश होती है एक पार्टनर की जो उसके जैसा भांगड़ा कर सके, ताकि वो डांस कॉम्पिटिशन को जीत लंदन जा सके और अपना सपना पूरा कर सके। और वहीं उसे एक शादी में मिलती है सिमी, जो रोल प्ले किया है रुखसार ढिल्लों ने, जहां वो पूरी कोशिश करता है उसे अपनी डांस पार्टनर बनाने की। पर वहीं कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि दोनों लोग आपस में एक एक पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं, पर दोनों को जब ये बात पता चलती है तो दोनों एक दूसरे के राइवल टीम से हैं, तो दोनों अलग हो जाते हैं, जहां जग्गी डांस कॉम्पिटिशन हार जाता है। फिर कहानी लेती है इमोशनल साइड पर, वहीं जग्गी एक बार फिर अपने दूसरे ग्रुप के साथ लंदन जाता है। उसी बीच आपको मूवी से जोड़े रखने के लिए रखी गई है मूवी के अंदर एक इमोशनल लव स्टोरी कैप्टन और निम्मो की, जो आपको बेहद पसंद आएगी। वहीं मूवी के एंड में क्या होता है, कौन जीतता है, कप्तान की लव स्टोरी क्या है, इन सब के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। वहीं अगर बात करें मूवी के स्टार कास्ट और उसके म्यूजिक की, तो मूवी के अंदर सभी कलाकार अपने अपने रोल को सही ढंग से निभाते हुए नजर, पर वहीं पर आपको कप्तान का रोल शायद तक थोड़ा इमोशनल कर, और वहीं पर आपको इसका म्यूजिक बड़ा एनर्जेटिक लगेगा, तो शायद आपके दिल में अरमान जाग जाए डांस करने के लिए। जोक्स एट द एंड, माई ओपिनियन आपके कुछ कमेंट्स, या सच बोलूँ तो मुझे ये मूवी बड़ी मजेदार लगी। मूवी के अंदर स्टोरी है, मूवी के अंदर डांस है, मूवी के अंदर नोकझोंक है, थोड़ा सा रोमांस है, और साथ ही साथ ये मूवी आपको बोर करने वाली तो नहीं है। बोले तो एकदम यार फैमिली रिलेटेड मूवी है, मूवी के जरिए थोड़ा सा ही सही मोटिवेटेड रहने का मैसेज भी दिया गया। पर वहीं पर आपको कमी इसके अंदर नजर आती है, तो वो कमी नजर आती है इसके अंदर रोमांस की। रोमांस के नाम पर मूवी के अंदर आपको 3 से 4 देखने को मिलते हैं सीन्स, और वहीं पर मूवी के अंदर हद से ज्यादा डांस यानी कि भांगड़ा रखा गया है। मतलब हर समय वो लोग भांगड़ा कर रहे हैं, सुबह शाम भांगड़ा कर रहे हैं। माना डांस रिलेटेड मूवी है, बट सुबह शाम कौन करता है यार। और वहीं बैक साइड स्टोरी के नाम पर आप सभी को लव आजकल वाली स्टोरी सेम एज इट इज लिटिल बिट थोड़ी बहुत उससे मिलती जुलती चिपका दी गई। और वहीं पर ओवरऑल तो ये मूवी बड़ी एंटरटेनिंग है, बड़ी मजेदार। वहीं आजकल के जनरेशन के हिसाब से इसके अंदर लव सेक्स और गालियां नहीं रखी गई है, तो शायद तक कि लोगों को ये मूवी पसंद आए। वहीं आपका क्या कहना है वो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से इस मूवी को मैं देता हूँ 3.5 रेटिंग, और आप लोगों ने क्या कमेंट्स करें वो भी चलो पढ़ते हैं आगे। वेरी नाइस ड्रामा डांस लव स्टोरी, गुड मूवी, कप्तान एक्टिंग इज हर्ट टचिंग, दिस मूवी इज अमेजिंग एंड द सॉन्ग काला जोड़ा इज फैब, द मूवी वॉज गुड आई बट द ओल्ड स्टोरी पार्ट वॉज लिटिल बिट बोरिंग, अदरवाइज 5 stars, अमेजिंग मूवी, आई लव डायरेक्शन, आई लव एक्टिंग, आई लव दिस मूवी सॉन्ग्स, एक्सलेंटली मेड, द डायरेक्शन, द फ्लो, द स्टोरी लाइन, द डांसिंग, एवरीथिंग जस्ट वर्क सो वेल फॉर दिस मूवी, worked very well for this movie, fully enjoyed, feel good and story of love and dance, Bhangra Pale, awesome movie and story too, all the characters very good, entertained, drama fully enjoyed, loved the movie, all the characters were very nice, especially both of the dancing teams, storyline was also good, overall the movie was nice, we can say it paisa vasool movie, loved the music, the energy, the transition between the storylines, and really impressed with the debutants, director and actors, overall really enjoyed this feel good story of love and dance। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मेरी वीडियो को वायरल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और वहीं पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर उसके बाद उस बेल आइकन की घंटी को दबा लेना, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आप उसे मिस ना कर दें। वहीं मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।